आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अभी भी दल बदलने का दौर शुरू जारी है और जिस तरह से बीजेपी से बागी नेता सपा में आए और सपा से कुछ नेता बीजेपी में गए, उठापटक जारी है। और जिस तरह देखा गया कि सपा की बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी का दामन आज थाम सकती है, तो वही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, अखिलेश यादव 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है जहां अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2022 का चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, दल बदलने का दौर शुरू हो चुका है और लगातार उठापटक देखने को मिल रही है राजनीति में। उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें अखिलेश की भाभी अपर्णा यादव की, तो वो आज बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, आज शाम तक सदस्यता ले सकती हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी आज ऐलान कर सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संवाददाता अजहर, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, क्या कहेंगे, क्या सच में अखिलेश चुनाव लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से शिखा, जिस तरीके से सीएम योगी के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सियासी रण में उतरते नजर आ रहे हैं, और ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 की बात करें तो अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी उन्हें हासिल हुई थी। और अगर अखिलेश यादव ये चुनाव लड़ते हैं, 2022 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ते हैं, तो अखिलेश यादव को लोकसभा सदस्यता छोड़नी भी पड़ सकती है। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से अखिलेश यादव से जब चुनाव पे सवाल पूछा जाता रहा है, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से ये कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, इस पे अभी फिलहाल कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। ऐसा सवाल पहले जब पूछा जाता था अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव का ये जवाब होता था। लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ या कन्नौज या पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि कहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, लेकिन खास तौर से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से या तो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव वर्तमान सांसद भी हैं। तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अटकलें जो लगाए जा रहे हैं वो आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पहले से ही जीती हुई सीट है। जी जी अजहर, अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो इससे सपा को कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी तक ये बात निकल के सामने आ रही थी कि अखिलेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो इससे कितना फायदा सपा को हो सकता है? जी बिल्कुल, साफ तौर से जब पार्टी लीडर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तमाम कार्यकर्ताओं को। तो अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये फुल सेफ सीट होगी। और अगर अखिलेश यादव पूर्वांचल से चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पूर्वांचल की किसी सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, तो ये काफी रोमांचक होगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चुनाव कितना टफ हो जाएगा उनका जीतना। तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से या जी साइड सीट होगी, तो ये तो अब पार्टी ही तय करेगी। जिस तरह से अखिलेश यादव कहते आए हैं कि पार्टी कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये तो पूरी तमाम तरीके से जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार कहते आए हैं कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ से या कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए। जी
सर अगर बात करें बीजेपी के खेमे की, तो आज अपर्णा सदस्यता ले सकती हैं, तो अगर वो सदस्यता लेती है और कैंट की बात करी जा रही है कि कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर रीता बोगड़ा जोशी अपने बेटे के लिए जो सीट मांग रही है, तो उसमें क्या होगा? 8090 बहुत बड़ी, अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन करती समाजवादी पार्टी खेमे में, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ जो कद्दावर नेता है रीता बहुगुणा जोशी, वो लगातार अपने बेटे की सीट को लेकर लगातार अड़ी हुई है और पार्टी से लगातार उन्होंने इस दौरान जेपी नड्डा को चिट्ठी भी लिखी और तमाम तरीके की कोशिशें वो रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से की जा रही है, और वो ये भी कह चुकी है कि अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, और अगर अपर्णा यादव शामिल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है पार्टी उन्हें कैंट से या तो फिर बीकेपी से टिकट दे सकती है। जी अजहर, जिस तरह से अपर्णा बीजेपी का दामन थाम रही है, इससे सपा को कितना झटका लगेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सपा को इससे थोड़ा नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि जब पार्टी का सदस्य किसी दूसरे दल में जाता है तो कहीं ना कहीं एक बैड मैसेज जाता है, निगेटिव मैसेज जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को जरूर होगा, लेकिन खास तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस तरह से रीता बहुगुणा जोशी लगातार लड़ी हुई है, लगातार अड़ी हुई है कि किस तरह से उनके बेटे महेश जोशी को टिकट कैंट सीट से, लखनऊ कैंट सीट से मिल जाए। लेकिन फिलहाल अगर अपर्णा यादव आज सदस्यता लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि लखनऊ कैंट सीट से किसे टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे लखनऊ से। तो जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि अखिलेश भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो काफी अहम है ये फैसला, क्योंकि सपा को इससे काफी फायदा हो सकता है, तो वहीं एक नुकसान भी है, क्योंकि अपर्णा बीजेपी का दामन थाम रही हैं और आज वो सदस्यता भी ले सकती हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत इन दिनों शीत लहर की गिरफ्त में है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिन ठंड कम होने की संभावना है। उत्तर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क चुका है। कोहरे का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। वहीं जहां कोहरे का असर कम हो रहा है, वहीं गलन लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। हर जगह पर लोग आग जलाकर काम चलाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन की ओर से कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की शीतलहर जारी रहेगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से पूरे देश में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, यूपी का क्या हाल देखने को मिल रहा है? जी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। 17 से 21 तारीख तक अलर्ट जारी है, जिसमें हम साफ तौर पे कह सकते हैं ये कोल्ड अलर्ट है। आपको बता दें कि ठंड से पूर्वी प्रदेश में प्रभावित है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां ठंड ज्यादा है पूर्वांचल से, और पूर्वांचल के जिलों में भी अलर्ट जारी करके बताया गया है कि कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या समेत अनेक जनपदों में ठंड का कहर दिखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें तो रात में टेम्परेचर 6 हो जा रहा है, वही अगर लखनऊ की तत्काल की टेम्परेचर की बात करें तो 9 है। इन सब चीजों को देखते हुए जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है, और अगर बात करें तो कई एक्सप्रेस ट्रेनें के साथ ही साथ एक्सप्रेस ट्रेन देर हो रही है, और कुछ को कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जा रहा है। और इसको देखते हुए जो यहाँ का प्रशासन है, जो लखनऊ का प्रशासन है, या जिस कहीं नगर पंचायत है, कहीं पालिका है यहाँ, और जो लखनऊ के प्रशासन के द्वारा, जो एलडीए के द्वारा अनेकों चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है और वैन बसों की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो लोग, जो आगंतुक या फिर तो ट्रेन से आते हैं, तो वो चांबा के अंदर में ठंड से बच सकते हैं। और
आपको बता दें कि प्रदेश भर की जो भी प्रमुख चौराहे हैं वहां अलाव की व्यवस्था की गई है। अब एलो जो कोल्ड अलर्ट है खासतौर में इससे ये होता है कि ठंडियां बढ़ जाती है और गलन और सर्दी बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि खासतौर पर जो लोग बेघर है या रिक्शे वाले हैं जो सड़क किनारे रहते हैं उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा प्लस अलाव की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, तो व्यवस्था तो देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए विभांशु। और अब हम अपने दर्शकों को लेके चलेंगे सीधा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो देश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 21 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से गलन देखने को मिल रही है। लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं और लगातार शीतलहर का कहर जारी है। अब आपको लेकर चलते बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो रही है। या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपना को सुबह सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ अर्पणा जी का। और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेती हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, या जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके
मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वह अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो, मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सदस्यता ले ली, कमल का दामन थाम लिया और साइकिल को छोड़ दिया, और जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह ने और केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको हमेशा से लगता था कि प्रभावित रही हैं अपर्णा कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों से, और अपर्णा ने भी इसी बात को स्वीकार करा कि वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित रही हैं, उनको बीजेपी की योजनाएं काफ़ी पसंद आई हैं, महिलाओं को जिस तरह से लेकर बीजेपी चलती है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बीजेपी ने जितने भी कार्य किए हैं महिला की सुरक्षा के लिए, तो उससे प्रेरित नजर आ रही हैं अपर्णा यादव, और उन्होंने इन्हीं योजनाओं को देखते हुए महिलाओं के सशक्त होते रूप को देखते हुए ही बीजेपी का दामन थामा, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे ज़रूरी है। तो अपर्णा का ये बयान भी सामने आया है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सभी ने मीडिया को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया, और इसी बीच सबके सामने अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया है अपर्णा ने, जो कि अखिलेश की भाभी हैं, और इसी के साथ ही साइकिल को यानी कि सपा को बड़ा झटका भी लगा है, और वहीं आज ये खबर भी सामने आ रही है कि अखिलेश भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। तो अब अपर्णा को कौन सी सीट दी जाती है और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि जिस तरह से ये बात सामने आई है मीडिया को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा में गुंडा राज को बढ़ावा मिलता था, अखिलेश अपने परिवार में भी सफल नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, तो सपा पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही धर्मेंद्र। तो पीएम मोदी और सीएम योगी का स्वागत करते हुए धन्यवाद करते हुए अपर्णा ने अपना संबोधन शुरू किया, उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी मेरे लिए राष्ट्र है, भाजपा का सदस्य बनने के लिए धन्यवाद किया अपर्णा ने, और साथ ही कई बातें कही और बीजेपी का दामन क्यों थामा इस बात की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं के लिए चलाई जा रहे अभियान पसंद आए, उससे प्रेरित हुई, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो आखिरकार सपा कि जो बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और इसी बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें
प्रोत्साहित भी किया कि सपा की परिवार से होते हुए भी, अखिलेश के परिवार से होते हुए भी, सपा की नीतियों से ज़्यादा उन्हें बीजेपी की नीतियाँ पसंद आई और इसको सराहा भी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सदस्यता ली है अपर्णा यादव ने। सपा में गुंडा राज को बढ़ावा मिला है, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। और इसी खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अपर्णा यादव ने सदस्यता ले ली, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष दोनों मौजूद रहे और दोनों ने सपा पर निशाना भी साधा, तो क्या कहेंगे इस पे? आपको बता दें कि दल बदल की जो राजनीति है उसका ये समय शुरू हो चुका है। वही आपने देखा की स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र सैनी समेत तमाम भाजपा नेताओं को तोड़कर सपा को मजबूत गिना जा रहा था। वही ये भाजपा की तरफ से बड़ी सेधमारी है कि सपा परिवार जो कि मुलायम का परिवार है उसके ही परिवार से उनकी बहू को तोड़कर अब भाजपा में शामिल कर लेना। अब आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी दिखेगा। आपको बता दें कि अपर्णा यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की बीबी है और आपको बता दें कि वो कैंट सीट से विधानसभा 2017 चुनाव भी लड़ चुकी है। उन्हें 67,000 वोट मिले थे और वीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी, जिसमें साफ तौर पे उनके उनके द्वारा कहा गया था कि ये हार सपा के पारिवारिक कलह के वजह से हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ से अपना बिष्ट का काफी मधुर संबंध रहे हैं और जब सरकार बनती है तो वे अपना यादव अपने गौशाला में योगी आदित्यनाथ को न्योता भी देती है, जहां ये योगी आदित्यनाथ जाते हैं सुरेश खन्ना के साथ और उस गौशाले का निरीक्षण करते हैं। और आपको बता दें कि इनके अपर्णा यादव के जो सुर थे वो शुरू से ही तीखे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वो निशाना बनाती रही हैं। अब देखना ये होगा कि अपर्णा यादव को कहां से सीट मिली जाती है मिलती है। वही अगर बात करें तो चर्चाएं हैं कि उन्हें बीकेटी या कैंट सीट से फिर से उतारा जा सकता है। वही अगर कैंट सीट की बात करें तो वहां से वीता बहुगुणा जोशी के बेटे भी टिकट मांग रहे हैं, जिसको वीता बहुगुणा जोशी टिकट है उनसे मांगते हुए काफी ऐसे सुर्खियों में है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है और सांसद पद से अपने इस्तीफा देने की भी पेशकश कर चुकी है। जी विभांशु, अगर कैंट सीट से अपर्णा यादव को उतारा जाता है तो रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे दोनों इस सीट पे नहीं रह जाएंगे, तो उनको आखिर कौन सी सीट दी जा सकती है अगर दिया जाएगा तो? अभी जो ऊपर का आला कमान है, जो बीजेपी का आला कमान है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जब प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तब इसका खुलासा होगा कि आखिर कौन लड़ेगा वहां से। अभी बड़ी खबर ये है कि अपना यादव भाजपा में शामिल हो गई है। अब देखना ये होगा कि कितना ये उनका जाना भाजपा में कारगर साबित होता है। वही आपको बता दें कि अपना यादव का जो पैतृक निवास है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से आपके मुख्यमंत्री भी आते हैं। अब मुख्यमंत्री के करीबी गांव जो है वहां से अपना बीस्ट भी आती है, अपना बीस्ट यादव भी आती है। वहीं अगर बात करें तो वो कई बार योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम अजय कुमार बीस्ट भी है, वो अपना भाई उन्हें बताती है और रक्षाबंधन के दिन उनसे मिलने भी गई हुई थी। तो अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के जो नेतृत्व में काम में आती है। जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये बड़ी खबर है और अखिलेश की चुनाव लड़ने की भी खबर सामने आ गई है और कई नीतियों से अपर्णा बीजेपी से प्रेरित भी रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।